फ्री फ्री देखो मोटू पतलू की दोस्ती बिल्कुल फ्री सिर्फ जियो सिनेमा पर। की सैर का मजा ही अलग होता है, दिल दिमाग सब फ्रेश हो जाता है। मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। ओके, कैसे हो भैया? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। पर तुम कौन हो? अरे किसने पूछा? कहाँ हो भैया? सामने तो आओ। मैं तो यही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। कभी नहीं सुना। मैं भी एक इंसान था, एक बुरे जादूगर ने मुझको मूर्ति बना दिया, तब से मैं कैद हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। अगर तुम मुझे जिंदा कर दो तो मैं यहाँ से इंसान बनकर अपने घर चला जाऊंगा। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे रो मत मेरे दोस्त, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। वो देखो दोस्त, सामने जो पत्थर पड़ा है उसके नीचे एक मोर का पंख है। अगर तुम पंख को मेरे पूरे बदन पर फेर दोगे तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। हाँ। अरे अभी पंख निकाल के तुम्हें ठीक करता हूँ। अरे मूर्ति भैया, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। 100 साल बाद मैं फिर जिंदा हो गया। अब मैं इंसान बन जाऊंगा और तुम सब इंसानों को कुचल डालूंगा। हर तरफ मेरा ही राज होगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। धोखेबाज, जिंदा होते ही बदल गए। तुमने दुखी इंसान होने का नाटक किया था। तुम हो कौन? मैं कोई दुखी वुखी नहीं, मैं तो जादूगर विनाशक हूँ, एक बुरा जादूगर। मुझे एक अच्छे जादूगर ने मूर्ति बना दिया था। अब से पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। जल्दी से मेरे पूरे बदन में पंख फेरो, जल्दी 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 करो। हरगिज नहीं। अरे ये सब हो क्या रहा है? पतलू भागो, रास्ते में सब बताता हूँ। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? रुको। सर भैया प्लीज, हमें एक पंच मार दो, बस एक। अरे क्यों मारू, आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, मैं नहीं मारूंगा। मारो ना प्लीज। मैं नहीं मारूंगा। अरे हमारा आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। बॉक्सर भैया, लो तुम दोनों की इतनी हिम्मत मुझे मारते हो, ये लो और तुम भी लो। पहली बार ऐसा हुआ है। अरे मार खाकर तुम दोनों थैंक यू बोल रहे हो? क्या कर दिया तुमने बेवकूफ पहलवान कहीं के? मैंने इतनी मुश्किल से उनका पता लगाया था और तुमने उन दोनों को भगा दिया। अरे ये क्या कर दिया, मुझे ठीक करो वरना बहुत मारूंगा। पहले मुझे मोटू पतलू के पास ले चलो। अरे उन दोनों के पास मेरा जादुई मोर का पंख है, वो पंख मुझे मिल जाए तो हम दोनों ठीक हो जाएंगे। हाँ ओ, तो ऐसी बात है, जल्दी चलो, इसलिए वो दोनों पंच मारने के लिए बोल रहे थे। मोटू चलती चलती समोसे खाओ, उस मूर्ति से फाइट में तुम्हें ये समोसे की पावर ही बचा सकती है। ओए मोटू पतलू, तुम इसका पंख वापस कर दो, इसने मुझे भी पत्थर का बना दिया है। मोटू अगर पत्थर का नहीं बनना तो जल्दी 9-2-11 हो जाओ। 9-2-11 कितने होते हैं? अरे अरे भैया, मेरे पैसे तो देते जाओ। अपने चाय के पैसे बाद में लेते रहना, पहले मुझे उनको पकड़ने दो।
हमारी मदद करो प्लीज। वो मूर्ति पत्थर, मूर्ति का पंख, मेरा मतलब मोटू तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो 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 बोलो, समझा के बोलो। चिंगम सर मैं बताता हूँ, एक पत्थर की मूर्ति है मोटू नदी में। डोंट फियर, व्हेन चिंगम इज हियर, वो एक मूर्ति ही तो है, आने दो उसे, उसे पकड़ कर जेल में डाल दूंगा। वाह चिंगम सर वाह, आप तो टॉप हो, हिंदुस्तान की होप हो। यू मूर्ति स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, नहीं तो मैं फायर करूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैं तो डर गया। आओ मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दो। आओ आओ। देखो मोटू पतलू, मुझसे अच्छे अच्छे डरते हैं। ये क्या किया, पुलिस से धोखा, छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। चिंगम सर मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था। तुम दोनों के पास भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। सामने हम लोग हैं और पीछे दीवार। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारा भागने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। चिंता मत करो यार, चलो मेरी फ्लाइंग कार में बैठकर उड़ चलते हैं। जब मूर्ति चली जाएगी तब वापस आ जाना, सिंपल यार सिंपल। अप्रैल डे नहीं यार, जब खतरे में लैंड करते हैं तो मे डे कहते हैं यार। बुड़ी बाबा, इधर महीने का नाम किसको याद है? मामोनी बाजा। पकड़ो उन्हें। देखो तुम दोनों रुक जाओ, मुझे मेरा मोर पंख वापस कर दो, वरना पूरे फुरफुरी नगर को मैं पत्थर का बना दूंगा। तो मेरे भाई मेरे यार रुक जाओ यार, वरना हम पत्थर के हो जाएंगे, फिर मेरे मरीजों का क्या होगा यार। लेकिन बड़े भैया, अगर मैंने इसे पंख वापस कर दिया तो ये जादूगर पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। पतलू प्लीज स्टॉप, पूरपुरी नगर के चोरों को कौन पकड़ेगा अगर मैं पत्थर रह गया तो। बाबा मोटू पतलू, दुनिया में तो हम लोग भी आता है, हमको बचा लो। अरे मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अब बहुत खा लिए समोसे, अब पंख वापस कर दो वरना तुम्हें मूर्ति बना दूंगा। हिम्मत है तो पंख ले लो। और लड़ना है। लड़ रहे हो, उसको मार रहे हो, यह मोटू ये क्या कर दिया, मोर का पंख तुमने मूर्ति के सिर पे गिरा दिया। आखिर मेरा पंख मुझे मिल ही गया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा।
लगता है वो मूर्ति के साथ ही चला गया। अब वो किसी और को पकड़ेगा। चलो अच्छा हुआ, उस शैतान मूर्ति से कम हमारा पीछा तो छूटा।